देश भर में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस अफवाह फैलाने में जुटी है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को विपक्ष का साथ नहीं मिला। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा से विधेयक पास हो गया। बावजूद इसके कांग्रेस और राहुल गांधी अभी भी हो हल्ला मचा रहे हैं, विधेयक को किसान विरोधी बताने में जुटे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा देकर कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। दरअसल कृषि विधेयक के विरोध के बीच सरकार ने गेहूं की एमएसपी पर 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बड़ा ऐलान किया है। कृषि मंत्री ने रबी की 6 फसलों की नई एमएसपी जारी की है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने एक और निर्णय लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी और बढ़ी हुई दरों से किसानों को 106% तक का लाभ होगा। इससे पहले ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है, किसानों के हित में है। एमएसपी के बारे में किसानों को आश्वस्त करते हुए पीएम ने कहा था, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं, हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी। शुरुआत में उन्हें चुप किया गया और बाद में काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं की तरफ से मुंह फेर कर संसद में सांसदों को निलंबित किया गया। इस सर्वज्ञ सरकार के अंतहीन अहंकार की वजह से पूरे देश के लिए आर्थिक संकट आ गया है। इससे पहले कृषि संबंधी विधेयकों को मंजूरी मिलने के बाद राहुल गांधी ने बिल को किसानों के खिलाफ मौत का फरमान करार दिया था और संसदीय परंपराओं की अवहेलना करके इन विधेयकों को मंजूरी दिलाई गयी। हालांकि मोदी ने फसलों की नई एमएसपी जारी कर राहुल गांधी और विपक्ष के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। बेल आइकन को दबाएं।